ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को। हैलिफैक्स से अराउंड 100 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में ये ओल्ड टाउन आपको मिलेगा। व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है मेघदूत एंड आप देख रहे हैं फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेक योर वे। अराउंड 1753 में ब्रिटिश पीपल ने इसे कॉलोनाइज किया था एंड इसका ओल्ड आर्किटेक्चर अभी तक प्रिजर्व्ड है। यहाँ के कलरफुल हाउसेस, वुडन ब्लॉक्स एंड फिशरीज म्यूजियम आर मस्ट सी थिंग्स। इस चैनल पर हम बात करेंगे ट्रैवलिंग की, रोड ट्रिप्स की, आउटिंग्स की, वीकेंडिंग वाइब्स की, घूमने की, फिरने की। चलिए साथ में करते हैं फन एंड एंजॉय करते हैं इस एक्सपीरियंस को। आज हम चलेंगे हैलिफैक्स से लुनेनबर्ग, करते हैं रोड ट्रिप। मैं आउटिंग को लेकर हमेशा एक्साइटेड होता हूँ एंड इसलिए मैंने जल्दी से कपड़े ढूंढे एंड रेडी होना स्टार्ट किया। सो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी एंड बस निकलते हैं घर से बाहर। एंड घर से बाहर निकलते निकलते हमने लिए पानीपुरी शॉर्ट्स एंड इस शगुन के साथ ट्रिप स्टार्ट किया। हमें जाना है 91 किलोमीटर्स एंड अराउंड एक घंटे का रास्ता है। एंड इस ट्रिप को लेकर बहुत ज़्यादा हम वो थे, क्या बोलते हैं उसे, उत्साहित, बिकॉज इस पूरे वीक में सिर्फ आज ही का दिन पॉजिटिव था, दैट इज अराउंड 7 or 8 डिग्री सेल्सियस, बाकी दिन या तो बारिश है या स्नो, सो वी वर लकी। कुछ देर ट्रेवल करने के बाद अब टाइम था जीप को कुछ नाश्ता पानी कराने का, बस फिर हम वापस निकल पड़े हमारे सफ़र पर। घर भी थे ना, बहुत सारे घर थे, मतलब पूरा एरिया लगभग तबाह हो गया था ये आग लगने के कारण। एंड हाफ वे चलने के बाद हमें लगी है थोड़ी भूख, हमने स्टॉप लिया टू हैव सम कॉफी एट आवर सबके फेवरेट स्टोर टिम हॉर्टन्स पर एंड डिसाइड किया कि अब सीधे जाके लुनेनबर्ग रुकेंगे। टाइम पर इतनी ग्रीनरी नहीं है बट स्टिल ड्राइव बहुत सीनिक है। एंड अगर आप 100 टू 150 किलोमीटर में कोई रोड ट्रिप प्लान करना चाहते हो सो हैलिफैक्स टू लुनेनबर्ग एक अच्छा ऑप्शन है। एंड हम लुनेनबर्ग काउंटी में एंटर हो चुके हैं एंड इसका पता चला हमें ये कलरफुल घर देखकर, येलो ग्रीन ग्रीन एंड लुनेनबर्ग पहुंच चुके हैं एंड कुछ एक नई चीज़ देखी मैंने यहाँ पर, जो ट्रेडिशनल पार्किंग के लिए मीटर होता है जो हैलिफैक्स में नहीं है, वहाँ पर सब ऑटोमेटेड है एंड इंटरनेट से हो जाता है। समथिंग लाइक दिस यूज़ नहीं किया आज तक, ट्राई करते हैं। फिर कार पार्क करने के लिए हमने यूज़ किया है ट्रेडिशनल मीटर एंड इंसर्ट किए $2। इनिशियली इसके अंदर टाइम जो लिखा रहा था वो था 00 एंड $2 इंसर्ट करते ही वो हो गया 1, दैट इज़ $2 में आपको एक घंटे की पार्किंग मिलती है। पर द थिंग इज़ आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगी, हर मीटर के लिए एक डेडिकेटेड पार्किंग है। हमारे सामने 2 मीटर हैं एंड दैट इज़ 2 कार यहाँ पर पार्क हो सकती है, राइट वाले मीटर के लिए राइट कार। एंड ये जितने भी यहाँ पर घर दिख रहे हैं सारे कलरफुल टाउन है एंड ये यहाँ का वाटर फ्रंट है और मेनली एरिया ये डाउन टाउन ही है। एंड अभी हैं हम लुनेनबर्ग के वाटर फ्रंट पर, टूरिस्ट काफ़ी कम हैं इस टाइम पर क्योंकि ठंड है, समर में बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर।
जो रेड कलर की बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं वो है यहाँ का फेमस फिशरीज म्यूजियम। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ विजिट किया था बट मैं किसी वजह से देख नहीं पाया था, सोचा कि आज एक्सप्लोर करते हैं, बट अगेन बैड लक हमें ये बंद मिला। लोकल पीपल से पूछने पर पता पड़ा कि ये सिर्फ समर में ओपन होता है एंड अराउंड मई जून में वापस ओपन होगा, सो बैड लक। अभी हम खड़े हैं बोर्ड वॉक पर, यहाँ से आप विटनेस कर सकते हैं लुनेनबर्ग का कलरफुल टाउन, कुछ शिप्स एंड बोट्स एंड अ ब्यूटीफुल सी। That's so cute, huh? Enjoying sunshine? Yeah. Hey, buddy. और फिर बड़ी मुझे देखकर छुप गया एंड मैं एक फेक हंसी हंसता हुआ वहां से निकल गया। बट एनीवेज लुक एट दिस ब्यूटी। ये रेड रेड बेसिकली ना टिकट काउंटर होते हैं, तो समर के टाइम पर यहाँ टिकट चलते हैं और यहाँ पे शिप्स खड़े होते हैं। अभी तो ब्लू नोज है नहीं, ब्लू नोज बहुत फेमस शिप है यहाँ पर, अदरवाइज व्हेल वॉचिंग के लिए शिप्स चलते हैं, तो यहाँ से लेके जाते हैं। उनके अलग अलग पैकेजेस होते हैं रास्ते में, सील्स और व्हेल वॉचिंग ये सब चीज़ें होती हैं, तो समर में काफ़ी एक्टिव होती है प्लेस। अभी तो इतना ज़्यादा रश नहीं है बट उस टाइम बहुत चलता है। इनफैक्ट जब मैं लास्ट टाइम आया था तो टिकट्स अवेलेबल ही नहीं थे, यहाँ हो तो पहले से प्री बुकिंग हो जाती है। पर जो ये रेड कलर की हट बनी हुई है, समर में आप यहाँ से व्हेल वॉचिंग एंड अदर वाटर एक्टिविटीज के टिकट्स ले सकते हैं। ये रही हमारी जीप एंड ये रहा मीटर। अभी भी 12 मिनट बाकी हैं एंड हमको और घूमना है, सो एक सिक्का और डालते हैं। तो इस बार हम मशीन के अंदर $1 डालेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 30 मिनट्स की पार्किंग और चाहिए। अभी करंटली 11 मिनट्स हो रहे हैं एंड $1 जाते ही या 41 मिनट्स हो गए, सो बेसिकली वी नाउ हैव 30 मोर मिनट्स। एंड वाटर फ्रंट के बाद जब आप डाउनटाउन की तरफ गेड़ी मारने जाओगे आपको दिखेंगे ये ब्लैक मेमोरियल्स। दीज आर डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ दोस who have gone down to the sea in ships and who have never returned. Basically, वो लोग जो ship में गए थे and दोबारा कभी लौट कर नहीं आए, उनके नाम and year यहाँ पर लिखे हुए। इसी स्ट्रीट पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ फैंसी रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज जो आपको सी व्यू देते हैं। अगर फोटोज क्लिक करवाने का शौक है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। लेना है फलाफल क्योंकि हम नॉन वेज नहीं खाते, चीज पिज्जा एंड फलाफल पढ़कर थोड़े एक्साइटेड हो गए and decided to grab it. And अभी लुनेनबर्ग में एक बहुत ही aesthetic place पर हम pizza खाने रुके हैं। With that हमारा लुनेनबर्ग tour खत्म हुआ। I mean यहाँ पर कुछ है नहीं, fisheries museum भी बंद है, distillery बंद है।
और लोकल्स ने बोला कि समर में ओपन होता है, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, बट अच्छा व्यू था, लोग कम थे तो फोटोज वगैरह बहुत अच्छे आ गए, फन थोड़ा हो गया। टाइम खत्म, जस्ट खत्म हुआ है, देख ओके 30 मिनट्स खत्म, 30 मिनट्स का ही लिया था, सो सही टाइम पर आ गए। लुनानबक का खत्म हुआ, अभी ब्लू रॉक्स की तरफ चलते हैं, किसी ने बताया कि ब्लू रॉक्स और मोहन भी जा सकते हैं। अभी लुनानबक से 5 किलोमीटर दूर एक और प्लेस है, ब्लू रॉक्स नाम है, हम एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पर आए। तो बेसिकली ब्लू रॉक्स एक छोटा सा टाउन है, एज सच कोई पॉइंट नहीं है घूमने का, रोड पर ये व्यू आपको मिलेगा एंड यहाँ कार पार्क करने की भी जगह, सो यू कैन पार्क योर कार डाउन हियर। दिस इज सो अमेजिंग, कुछ अलग से करने को नहीं है, बट ये जो प्लेस है रोड पर आप कार पार्क कर सकते हैं एंड जस्ट विजिट हियर, फोटोज वगैरह अच्छे। सो हम अभी ब्लू रॉक से निकल चुके हैं एंड वहाँ पे इतना कुछ है नहीं करने को, बट अगर आप मैप पे डालोगे तो आपको एक पॉइंट पर ले जाएगा, घरों के बीच में छोड़ देगा, बट एग्जैक्टली वैसा है नहीं, रोड पर ही सी है, सी व्यू है, वहाँ पर कार पार्क करने की भी जगह है, तो वहाँ आपको कार पार्क करनी है एंड वहाँ का व्यू अमेजिंग है। एंड लुनानबक से अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मोहन बे, विच इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल शोर लाइन, सम यूनिक शॉप्स एंड आर्टिजन्स, एंड ये चर्च यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, इसे देखने के लिए कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर थे। एंड फिर मोहन आइलैंड पर एक्सप्लोर करते हुए हम एक प्लेस पर पहुँचे जहाँ पर कुछ पेड़ों के बीच में से आपको निकल कर जाना था, सामने दिख रही थी बीच एंड आगे थी जन्नत। अच्छी प्लेस की तलाश में एक बहुत ही अच्छी प्लेस आ चुके हैं, नाम है मोहन बे कंजर्वेशन एरिया, इंडियन पॉइंट रोड गए थे, टूरिस्ट अट्रैक्शन बताएगा मैप पर, बट वहाँ कुछ है नहीं, गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं है एंड यहाँ पर हमें दिखी और कोई टूरिस्ट नहीं है, बट प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, छुपी हुई प्लेस है, अगर लुनानबक जा रहे हो तो यहाँ पर रुक सकते हो एंड चेक इट आउट, बीच वगैरह बहुत सुंदर बना हुआ है। आई थिंक फाइनली हम सब प्लेसेस घूम चुके हैं, टाइम भी हो गया है, शाम के 5 हो गए, लुनानबक कवर हो गया, ब्लू रॉक्स हो गया, मोहन भी हो गया, सो अब देखते हैं अब कहाँ जाना है। विद ऑल दैट फन एंड अमेजिंग प्लेसेस इस ट्रिप का हुआ एंड हम आ गए हैलिफैक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर सच में लगा है तो प्लीज गिव अ लाइक, कमेंट करके बताओ अगली जगह कहाँ चलना है, सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अब मैं ट्रैवल्स रिलेटेड वीडियोस लाते रहूंगा, दोस्तों के साथ रोड ट्रिप्स बनाओ, वीकेंड्स एंजॉय करो, घूमो फिरो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।